ब्यूटीफुल पीपल हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? तो आपको पता चल गया होगा, लिविंग इन माय किचन। किचन यानी कि मेरा नहीं है, जहां पर मैं रहती हूँ उन लोगों का ये किचन है, और ये किचन मैंने इसलिए ये चैलेंज कर पाई क्योंकि वो लोग कुछ समय के लिए गए हैं बाहर, और ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया एरिया, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किचन के अंदर ही एक चैलेंज कर लूँ। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्यार वाला वीडियो। इसके लिए मुझे थोड़ा सामान लाना पड़ेगा। अभी सुबह के 9:30 जितना होने को आया है, मैं फटाफट से अपना सामान सब ट्रांसफर करती हूँ यहाँ पर। धीरे धीरे मेरा सब सामान लेकर आई और लास्ट में ये बेड लेकर आई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। तो ये मेरा मेकअप का सामान, ये मेरा DIY है, और ये मेरा बेड, और मैंने इसे चार्ज में छोड़ा अपने लैपटॉप को। और अपनी चाय बनानी शुरू की। सुबह की अर्ली मॉर्निंग चाय की कुछ मज़ा ही अलग होती है। सी ये शुगर थोड़ी कम कर दी है, और चाय पत्ती, ये उबल गई मेरी चाय। चाय चली गई। सुबह का गर्मा गर्म चाय, और साथ में मैं खाऊंगी कुछ कुकीज जो कि है प्रोटीन वाली। क्या आप नाश्ता कैसे करते हैं, और आपकी क्या फेवरेट नाश्ते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं ये लिविंग इन माय किचन का नाश्ता। पता है ना कितनी मुश्किल से चाय बनाई है। अगर चली जाती तो मुझे सफाई भी करनी पड़ती, दोबारा चाय भी बनानी पड़ती। ये सारा किचन का जो आइटम्स है उसी में से मुझे दाल चावल सब निकालना है और बनाना है। और साथ में मैं लेकर आई हूँ ये मेरा मेकअप। देखिए पूरा एक बास्केट भर के लेकर आई हूँ, और परफ्यूम भी लेकर आई हूँ ताकि मुझे पूरा दिन किचन की जो स्मेल होती है वो खाने के समय में तो बहुत अच्छी लगती है, मगर उसके बाद परफ्यूम लगाएंगे। पर पहले मैं नाश्ता कर लूँ। सुबह की प्यारी प्यारी चाय। तो ब्यूटीफुल पीपल, आप कितने घंटे किचन में गुजारते हैं रोज, वे भी मुझे लिखना। किचन में बालों को बनाना मना होता है, नहीं तो क्या है ना बहुत बाल आ जाएंगे खाने में सर से ज्यादा। तो ये है ना, हेयर बैंड पहन लेना चाहिए ताकि हमारे बाल ही वो इधर उधर ना करें। तो फाइनली मैंने हेयर बैंड पहन लिया है,
और मैं जाऊंगी अभी फटाफट लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज तो मुझे ही बनाना है सब कुछ। तो मैंने एक तरफ दाल उबालने के लिए छोड़ दिया कुकर के अंदर, दूसरी तरफ चावल रख दिए और कुछ आलू के टुकड़े बना लिए और टमाटर, हरी मिर्च जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अदरक जिसे मैंने कुछ छिलका बना लिया, छिलका कर लिया ऐसे, और लहसुन, इनकी मैं दाल बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है किचन में, इसलिए फैन चालू किया है। देखो ये कोई आसान नहीं है, ये चैलेंज करना इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे मैंने थोड़ा रिलैक्स किया फ़ोन के साथ, नहीं तो बोलेंगे कि ये मोबाइल ही नहीं है, ये मोबाइल है यार। बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि वहाँ पर कोई टेबल कुछ भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही लैपटॉप को अपने पैरों के ऊपर रख के काम करने की शुरुआत की, बट बहुत डिफ़िकल्ट लगा और काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, शुरू करते ही बंद हो जाता है। ऐसे ही चलो अभी लंच कर लेते हैं, लंच 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 लंच। तो मैंने रेडी कर लिए है गर्मा गर्म राइस एंड वेजिटेबल दाल, आइए इसका थोड़ा मजा उठा ले। कि मैं कैसे खाना खा रही हूँ, आप जरूर देखना कि कितनी मुश्किल है ये चैलेंज में। तो ऐसे पैर के ऊपर क्योंकि डाइनिंग टेबल नहीं है इस वक्त, तो ऐसे ही खाना खा रही हूँ। जहाँ से हम रेस्टरूम जा सकते हैं बाजू में ही है, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है और मैं आराम से अपना ब्रेक कर लेती हूँ। काफी बोरिंग लग रहा है अभी। थोड़ा सा परफ्यूम लगा दे, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा म्यूजिक सुना और थोड़ा परफ्यूम खेला, फिर बोरिंग, काफ़ी बोर लग रहा है अभी। अभी भी बहुत दिन बाकी है, मेरा मतलब है कि बहुत घंटे बाकी है। तो लेट इवनिंग में मैंने अपने आप को किया थोड़ा फ्रेश, टोनर का स्प्रे किया, मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया, ऐसे ताकि मैं थोड़ा फ्रेश फील करूं।
इसे बंद किया और नेक्स्ट में इसे अपने फेस के ऊपर लगाया अच्छे से, लगा लिया है। और ये है मेरा मिरर जिसे मैं रख रही हूँ साइड में ही ताकि अच्छे से मैं देख सकूँ कुछ। नेक्स्ट में मैंने लिया है ये फाउंडेशन। और फिर मैं इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ। अगर ऐसा लगता है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं और कहीं पर डॉट रह जाता है तो उसके लिए भी एक टिप है कि हम पहले फोरहेड ले लें, फिर दोनों आईज, नोज और एक के बाद एक चीक और ये लिप्स एरिया एंड लास्ट में नेक। तो हम कभी भी नेक्स्ट में थोड़ा सा लूज पाउडर ले ले। और इसके लिए मैंने ब्रश भी लिया है, टप टप करके लेना है। और ऐसे ऐसे 50 सेकंड के बाद या तो आप 30 सेकंड के बाद इसे एक्सेस पाउडर को ऐसे रिमूव कर सकते हैं और अपने फुल फेस के ऊपर लगाना है। ये रोज पाउडर है, बहुत बहुत सूटेबल है मेरी स्किन को। तो मैं ज़्यादा तो मेकअप नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ही कर रही हूँ। नेक्स्ट में ये फिट मी का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। मेकअप करने से थोड़ा फ्रेश फील होता है। और मैंने परफ्यूम भी पूरे किचन में लगाया है ताकि मुझे थोड़ी खुशबू मिलती रहे। क्या आप इसी तरीके से कभी परफ्यूम का यूज़ किया है किचन में लगाने का? और लिप बाम, उसके बाद ये मस्कारा। पता नहीं मैं लिपस्टिक लेकर आई हूँ या तो भूल गई हूँ, आई डोंट नो आई है। और ये है मस्कारा। काम चल रहा है बाहर तो बहुत आवाज आ रही है। हल्का हल्का मस्कारा मैंने लगा लिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। और ये है सिमर पाउडर। ग्लो पाउडर ताकि मेरा फेस है वो थोड़ा ग्लोई ग्लोई लगे। क्या हो गया? इसे भी थोड़ा अपने हेयर के अंदर लगा दूं। या दिस इज माई किचन लुक, मेरा मतलब है फाइनल फिनिश लुक। याय, सी मैंने मिरर कहाँ रखा है दिखाती हूँ। मिरर शूटिंग है। ये है मेरे सारे मेकअप और ये है मेरी बेड। किचन है तो क्या हुआ ब्रो, फिल तो करनी है ना फ्रेंड। मुझे कुछ ज़्यादा प्यास लग गई थी और बहुत कुछ क्रेविंग हो रहा था कि मैं कुछ
पीऊँ तो मैंने ये ऑरेंज जूस बनाया और उसे भी पी लिया। फिर डिनर में मैंने ये चीज़, कैप्रिकाना, सॉल्ट एंड धनिया पाउडर डाल के कुछ चीज़ी बाइट बनाया और उसी से मैंने डिनर कर लिया। और उस मेरा मतलब है केचप भी लगा के उसका मैंने डिनर बनाया ऐसे ही। के लिए मैंने बड़ी बड़ी लाइटें लगाई है, इसलिए कुछ लोगों को ये सवाल होता है, अरे रात में इतनी लाइट कहाँ से आई, क्यों आप अपने घर में लाइट नहीं करते क्या? करते हैं ना। वैसे मैंने भी बहुत सारी लाइटें जलाई है क्योंकि शूटिंग के लिए लाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए खाते हैं ये चीज़ी बाइट। काफ़ी मुश्किल रही पर मज़ा आया, इंटरेस्टिंग। क्या आपको भी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। बाय, गुड नाइट।